हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में MBOPCM में। हेलो फ्रेंड्स, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 03 मीन्स लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोग करंट के बारे में जान चुके थे करंट होता क्या है और इसका प्रॉपर्टी भी जाने थे इसके दो प्रीवियस लेक्चर में। आज रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो वो देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये किसी भी कंडक्टर वायर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। एक कंडक्टर वायर है तो इसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है मतलब विरोध करता है करंट को। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर से इधर अगर फ्लो कर रहा है तो इसको रोकने का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वही प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको लिखेंगे द प्रो द प्रॉपर्टीज ऑफ any conductor wire, the property of any conductor wire obstruct obstruct the current, obstruct the current edge non edge रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक जो होता है एसआई यूनिट जो होता है ओम होता है। ओम सिंबल इसका ई होता है। एसआई यूनिट ओम होता है जिसका सिंबल इस प्रकार होता है और इसे ओम लिखा जाता है। ओम हिंदी में ओम ऐसे लिखा जाता है। ओम 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 हो गया। इसका सिंबल अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस बनाया कैसे जाता है, किसी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे तो किसी भी कंडक्टर वायर में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो जोड़ा जाएगा तो उसको इस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे सर्किट में। ये रेजिस्टेंस होगा, इस प्रकार इसको जोड़ेंगे। इसे आर से डिनोट करेंगे, आर से इसको डिनोट करते हैं। चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या क्या है, किस पर डिपेंड करता है, होता क्या है। किसी भी कंडक्टर वायर मटेरियल है तो उसको रोकने का जो नेचर होता है उसको तो रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जो डिपेंड अगर मान लिया जाए तो एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे, इस बढ़िया से थोड़ा सा देखेंगे। इधर
देखा जाए तो कोई कंडक्टर वायर है, देखते हैं तो कोई कंडक्टर वायर है, ये कोई कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ए होगा, और लेंथ मान ली एल है, लेंथ है इससे यहां से यहां तक अगर इसका देखा जाए डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो किसी भी कंडक्टर वायर की पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोपोर्शनल होता है आई के, वी प्रोपोर्शनल, वी प्रोपोर्शनल आई होगा, वी प्रोपोर्शनल आई, किसी भी कंडक्टर वायर के, किसी भी कंडक्टर वायर है इसके दो एंड टर्मिनल के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्रोपोर्शनल टू आई होगा, प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अब यहाँ पास भी प्रोपोर्शनल आई और यहाँ पास हम लोग कांस्टेंट आर लगाएंगे, कांस्टेंट आर लगाएंगे, तो यहाँ पास अगर देखा जाए कांस्टेंट आर लगाते हैं तो आ जाएगा भी बराबर आई आर, कांस्टेंट आर लिए तो भी बराबर आई आर, आर इज कांस्टेंट, आर यहाँ पास कांस्टेंट है, तो आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई हो गया, जो देखा जाए तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल यहाँ पास दिख रहा है वी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई के, कांस्टेंट हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग जानेंगे बढ़िया से, रेजिस्टेंस से ऊपर माने मटेरियल का प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस जो भी है, रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा उतार नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा मिटा के बताएंगे, मिट करते हैं। आर बराबर आया वी बाय आई, रेजिस्टिविटी ये रो है, रो जो होता है इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर वायर है, किसी भी कंडक्टर वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस है, और इसका जो रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस के अंतर्गत रो का भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल है। अगर देखा जाए तो आर बराबर एक और फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे आज लेक्चर पूरा होगा, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, जो रो है, जो रो है किसी भी कंडक्टर वायर का उसका प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर वायर तांबा है तो तांबा का अपना एक रेजिस्टिविटी होगा, अगर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो उसका भी अपना एक रेजिस्टिविटी होगा, अगर आयरन लेते हैं फेरस, आयरन लेते हैं फेरियम होता है, आयरन लेते हैं तो इसका एक अपना रेजिस्टिविटी होगा, सब ऑल कंडक्टर वायर का रेजिस्टिविटी जो है उसको रो से सूचित किया जाता है, और एल जो होगा कंडक्टर का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए जो होगा, ए जो होगा लेंथ, लेंथ होगा लेंथ होगा एरिया होगा,
अब रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो रोग होता है, रोग किसी भी कंडक्टर वायर का रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड मीन्स एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, रो डज नॉट डिपेंड डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रो रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको नोट कर लीजिए, रेजिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आर के फॉर्म में, रो के फॉर्म में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रो के फॉर्म में तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ कंडक्टर। रो इज इक्वल टू, देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको पॉज कर उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था करंट के बारे में, तो जिसमें सीखे थे I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो जानवे करते हैं, सीखे किए थे। लेकिन एक और इसके बारे में हम लोग जाने थे, जो I इक्वल टू होता है V ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी E पर यूनिट, ये जो N है यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर वायर, इसके बारे में देखे थे। और VD E इलेक्ट्रॉन और E इंटेंसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ, ये फॉर्मूला के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर से जरूर देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आज हम लोग कुछ फॉर्मूलास को प्रूफ करेंगे। कोई भी कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसके अंदर रनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रनिंग कर रहे हैं किस वेलोसिटी से रनिंग कर रहे हैं। जैसे वी वोल्ट का, इसके वी वोल्ट का हम लोग बैटरी लगाए थे, और इससे हम देखे थे कि बैटरी लगाने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का रनिंग होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लें प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 02, इसमें बता दिया गया है बहुत बढ़िया से। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है,
अगर इसका लेंथ देखा जाए एल एल और इसको हम लोग मान लेते हैं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूला पर हम चलेंगे तो भी डी ई अपॉन एम हो गया। अगर आई इक्वल टू भी डी ई एन एम, अब देखिए आई है ना, इसी को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कुछ टर्न से, बहुत अच्छा तरीका से फाइंड करेंगे जो देखते हैं। देखिए भी डी है तो ई ऑन ई बाई एम एंड टाउ, तो देखिए ई इंटेंसिटी, यहां पास ई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं। अगर भी डी ई इंटू डी एक्स, डी एक्स डेल्टा भी ई इंटेंसिटी इंटू डी एक्स मीन्स लेंथ, यहां पास इसको डीएल लिख सकते हैं डीएल, तो देखा जाए तो भी बराबर ई इंटू एल, तो ई बराबर एल को इधर लाएंगे भी अपॉन एल इक्वल टू ई। देखिए ई के जगह यहां पर हम लोग इसको पुट करेंगे, ई के जगह अगर यहां पर पुट करेंगे ई के जगह भी बाई एल, भी बाई बाई एल जो टाउ है यहां टाउ लगा देते हैं। देखिए भी बाई एल अगर इसमें इसको पुट किया जाए डी भी इक्वल टू यहां पर आया भी ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वायर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। देखिए इस भीडी को अब हम इसमें पुट करेंगे, यहां पास पुट करेंगे ई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वायर अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, टाउ टाउ को टाउ लिख देते हैं, टाउ को ऊपर लिखते हैं टाउ। अब देखिए यहां बस वीना यहां बस बच गया, इसको हम लिखेंगे ई ई बचा, ई बचा और एन बचा और ए बचा, इसको हम लिख देते हैं। आगे देखिए भी टाउ ई और ई, ई और ई स्क्वायर, ई स्क्वायर और एन और ए के ए अपॉन एम बाई एल। अब देखते हैं अगर देखा जाए तो टोटल को उठा के इधर लाते हैं, अगर देखिए यहां पास आई इक्वल टू भी टाउ ई स्क्वायर एन ए अपॉन एम एल, तो पूरा को इधर लाते हैं उठाकर वाई को इधर ले जाए, अगर एम एल इधर लाते हैं एम एल अपॉन वन इक्वल टू एम एल अपॉन वन, तो यहां बस नहीं होगा एम एल एम एल अपॉन टाउ ई स्क्वायर एन ए ऊपर भी बच गया, ऊपर यहां पास भी बच गया, यहां टोटल आ गया नीचे टाउ ई स्क्वायर एन ए, तो बचा एम एल ऊपर चल गया तो इधर भी बचा, सिर्फ भी बचा और आई आई को इधर लाए अपॉन आई। अब देखिएगा भी बाई आई, भी बाई आई अभी इससे पीछे हम बताएं कि भी बाई आई आर इक्वल टू भी बाई आई, पीछे लेक्चर में हम लेक्चर में नहीं तुरंत अभी जस्ट हम बताएं कि जो होता है भी प्रोपोर्शनल होता है आई के, और यहां पर आर कांस्टेंट लगाते हैं
तो ये हो जाता है, या आर कॉन्स्टेंट लगाते हैं तो वी बराबर आई आर हो जाता है और आर इक्वल टू वी बाय आई हो जाता है। इसको आर लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू एम एल अपॉन टाउ ए स्क्वायर एन ए। ये देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला आया, दिख रहा है ना नीचे तक, दिख तो रहा है, दिख रहा है। अब इसको हम ऊपर थोड़ा लिखेंगे, ऊपर पहुंच करके लिख लीजिएगा, लिख गया। आर इक्वल टू एम एल अपॉन टाउ ई स्क्वायर एन ए। अब देखिए आर इक्वल टू, हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि आर इक्वल टू जो होता है अपॉन ए होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर यहाँ पास हम लोग आर को हटाकर इसको पुट कर दिया जहां पास रो एल अपॉन ए को, अब देखिए इसको एम एल एन ई स्क्वायर टाउ टाउ और ए छोटा तो नहीं, टाउ ई स्क्वायर एन ए। अब देखिए इसको दोनों को अगर तुलना किया जाए, कंपेयर कंपेयर किया जाए तो एल से एल ए से ए मान लिया, यहां पास बचेगा रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो प्रॉपर्टी को बताता है, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जो प्रॉपर्टी है मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर वायर रो, रो इक्वल टू एम एन एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब हम लोग इससे इसको पॉज करके उतार लीजिए। अब हम लोग कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को तो नहीं, लेकिन अगर इसको घटाया बढ़ाया जाए वायर को, इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर डायमेंशन को बदलने से रेजिस्टेंस भी बदलता है, डायमेंशन को बदलने से रेजिस्टेंस भी बदलता है। आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए जो आया, तो इतना तो रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया। तो जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर वायर का, जो रेजिस्टेंस है तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर और एरिया ऑफ कंडक्टर वायर। लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर वायर, कोई भी कंडक्टर वायर इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसी पे डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। अब देखेंगे रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है एल और ए पे, ये रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, किसी भी वन मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम का वायर लेते हैं इतना लंबा, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का वायर है 5 मीटर, इसका जो है रेजिस्टिविटी
रो है, और फिर एल्युमिनियम का कोई वायर लेते हैं जो इतना लंबा है, इससे तीन गुना है वायर है, मान लीजिए कि वायर है, तो मान लीजिए कि 15 मीटर का है, इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, वही होगा जो रो है, ये भी रो होगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। अब देखते हैं, इट इज रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया, इस पे हम लोग देखेंगे। यदि इफ इफ इट ना हो जाए, इफ ए कंडक्टर वायर, इफ ए कंडक्टर वायर length L and cross section area and a cross a conductor wire length L and cross section area A, it is stretch twice. Then new resistance is what will अगर देखा जाए कोई कंडक्टर वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ जो है एल है, लेंथ एल है। यदि इसको हम स्ट्रेच कर, कोई कंडक्टर वायर है, कोई कंडक्टर वायर है इतना, मान लीजिए इतना मोटा है, सपोज है इतना मोटा है गोला की तरह, और इस प्रकार है, ये जूम कीजिए, इस प्रकार कंडक्टर वायर तार की तरह इतना मोटा, और इसको स्ट्रेच करते हैं टू टाइम्स, इसको लेंथ को अगर 12 कर दिया जाता है तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ बस इसको अगर बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एडस मान लेंगे एडस, और इसका जो लेंथ है 12 हो जाता है, लेकिन एक चीज यहां पास समझने वाली बात है कि इसको हम कितना खींच देते हैं, कितना टाइम्स भी अगर इसको हम स्ट्रेच करके बढ़ा देते हैं तो जो इसका वॉल्यूम होगा सेम होगा,
इस वायर का अगर वॉल्यूम का बात किया जाए या इस वायर का वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो दोनों वॉल्यूम सेम होगा। देखिए यहाँ पास मोटा है, लेकिन यहाँ पास अगर देखा जाए तो बहुत छोटा हो गया। इस दोनों का डिस्टेंस अगर देखा जाए मीन्स तो बहुत छोटा है, इस दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा दोनों भी और भी डैश। इसका वॉल्यूम भी है, अगर इसका वॉल्यूम भी डैश होता है, भी है भी डैश इसका वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम वॉल्यूम रिमेन सेम इक्वल टू वी डैस। अगर एरिया इंटू लेंथ करते हैं तो वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ करते हैं तो वॉल्यूम आ गया। एरिया है ये लेंथ है, तो एरिया क्रॉस अगर लेंथ करेंगे तो हमको देगा ये वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम का बात करते हैं वी डैस तो एरिया एडस एड एस लेंथ 2L, L से L मर गया। एड एस बराबर एड एस इक्वल टू ए बाई टू, जो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का आधा होगा, ए बाई टू होगा। एड एस इक्वल टू ए बाई टू, जो इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का आधा हो जाएगा। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस तो R इक्वल टू रो L बाई A, तो इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं R डैश मान लीजिए R1, तो R1 इसका हम लोग फाइंड करते हैं। R इसका दिया हुआ है, कहने का मतलब R दिया हुआ है, R इसका है, आर जो दिया हुआ है इसका है, रो इसका रो रेस्टिविटी इसका भी रेस्टिविटी रो ही होगा, लेंथ एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, आर इक्वल टू इतना दिया हुआ। आर डैश इसका फाइंड करते हैं मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी सेम होगा सबका, और लेंथ टू एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई टू, ऊपर जाएगा टू ऊपर जाएगा तो यहां ऊपर आएगा टू टू फोर, फोर रो एल अपॉन ए। अगर देखिए तो रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए इक्वल टू आर, इसको आर लिखते हैं आर डैश फोर आर, मीन्स फोर टाइम बढ़ जाएगा जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा इस वायर का रेजिस्टेंस से फोर टाइम ये बढ़ जाएगा। अगर किसी भी वायर है अगर इसको टू टाइम घिस दिया जाता है, टू टाइम घिस दिया जाए मीन्स कोई वायर है एल लेंथ का और उसको दो घिंच के हम दोगुना कर देते हैं, दोगुना कर देते पांच मीटर का है वायर उसको घिंच के दस मीटर का कर दिए, जो उसका रेजिस्टेंस होगा दोगुना हो जाएगा, नहीं चार गुना हो जाएगा। अगर वायर को दोगुना खींचते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चार गुना बढ़ जाएगा, यानी कि मत कह देना कि दोगुना भी हो जाएगा, चार गुना बढ़ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आर इक्वल टू फोर टाइम ऑफ आर, इसको पहुंच करके उतार लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा।
अगर इसी प्रकार कोई कंडक्टर वायर है, कोई कंडक्टर वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है और इसका लेंथ एल है, अगर इसको 3 टाइम घेर दिया जाता है, मीन्स 3 टाइम इसको बढ़ा दिया जाता है, इस तरह लंबा कर दी इसको बढ़ा के, पूरा बढ़ा दिए 3 टाइम्स, मीन्स लेंथ जो है 3L हो गया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 3 टाइम कम हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 3 टाइम इसका कम हो जाएगा। अभी हम लोग देख चुके हैं इसको कि वॉल्यूम रिमेन सेम होता है, बेस इक्वल टू वी डैश, अगर इसका वॉल्यूम भी है, अगर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हमको नहीं पता है वॉल्यूम सेम होगा नहीं, ये तो वी डैश है, तो इसको वॉल्यूम रिमेन सेम होगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ये भाई 3 ए मल्टीप्लाई बाई एल इक्वल टू ए डैश मल्टीप्लाई बाई 3L, एल से एल कट जाएगा और एल डैश ए बाई 3 इक्वल टू ए डैश, जो ए डैश है इसका 3 भाग आ जाएगा, मीन्स 3 टाइम्स कम आ जाएगा, एक ही मटेरियल दोनों है, इसका भी रेजिस्टिविटी रो हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टिविटी रो होगा, अगर देखा जाए आर डैश इसका रेजिस्टिविटी तो रो इनटू एल, एल रो इनटू एल, एल के यहाँ 3L, 3L और ए, ए तो ए यहाँ एरिया ए बाई 3 बाई 3 तो आ जाएगा R1 3 ऊपर 3 और 3 9 और रो L बाई A, मीन्स पहले का जो पहले का रेजिस्टेंस हुआ उसके 9 टाइम मल्टीप्लाई, उससे 9 टाइम बेसी मल्टीप्लाई मल्टीपल जो बोला। अगर इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी वायर है, अगर कोई भी वायर लेते हैं, कोई भी अगर वायर बनाते हैं तो अगर इसको 5 टाइम घिस देते हैं, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 5 टाइम को घिस देते हैं बहुत लंबा मान लेते हैं, 5 टाइम इसको घिस दिया जाए तो इसका लेंथ 5L हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका हो जाएगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ए बाई 5 होगा, अगर इसको फिर हम यहाँ पुट करेंगे R इक्वल टू, हम जानते हैं कि रो एल अपॉन ए, अगर इसमें पुट करेंगे R इक्वल टू रो करो एल 5L क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई 5, तो 5 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा R इक्वल टू 25L बाई ए आ जाएगा। अगर देखा जाए कि 2 टाइम किए थे स्ट्रेच कर को, स्ट्रेच करके अगर 2 टाइम किए थे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ रहा था, अगर तो फिर अगर यहाँ पास देखेंगे अगर 3 टाइम स्ट्रेच करके कर रहे थे तो इसका रेजिस्टेंस 9 टाइम बढ़ रहा था, अगर 5 टाइम किसी कर देते हैं इसका रेजिस्टेंस 25 टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इससे नेट कंक्लूजन निकलता है, जो कैलकुलेशन निकल आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ आर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोई कहता है कि कोई कंडक्टर वायर लिए हैं, अगर इसको हम
बढ़ाकर 4 टाइम लंबा कर देते हैं तो इसका वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आर डैश इक्वल टू एन, यहाँ पास टाइम को बताता है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना लंबा किया, 4 टाइम्स, 4 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर डैश जो आएगा चर्चो के 16 इंटू आर, 16 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। जो आर आएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस एन स्क्वायर ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, इसी प्रकार इसका ओपोजिट भी होगा, इसी प्रकार इसका ओपोजिट भी होगा। कोई कहेगा अगर कोई वायर है, कोई वायर है जो इतना लंबा है, मीन्स इतना लंबा है, मीन्स अगर कहा जाए एल लेंथ का है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका ए है, अगर इसको लेंथ को आधा कर दिया जाए, अगर लेंथ को घटाकर आधा कर दिया जाए तो वायर तो मोटा हो जाएगा, वायर इस प्रकार हो जाएगा, वायर इस प्रकार हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा जाए 2a हो जाएगा, मोटा होता है, लेंथ 12 हो जाएगा। अब इसको भी इसी प्रकार पुट करेंगे हम लोग, आर वन इसका रेजिस्टेंस मान लो कि आर है, आर है रो एल बाई ए, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा आर डैश, आर डैश हम लोग जानते हैं, यही फॉर्मूला पुट करेंगे रो एल, एल की जगह 12, क्योंकि इसका लेंथ 12 है और एरिया लेंथ 12 थोड़ी ना हो गया। अगर कोई वायर है, कोई वायर लंबा है, अगर इसको छोटा कर आधा कर दिया जाता है एल बाई टू होगा, एल बाई टू होगा, एल बाई टू और एरिया 2a, रो का रो एल 2 और 2 4 इंटू एल, देखिए ये 4 टाइम कम कर दिया, रेजिस्टेंस को 4 टाइम कम कर दिया। आप जो आया आर वन मीन्स 1/4 इसको हम आर कहते हैं, अगर नेट कैलकुलेशन कहा जाए तो किसी भी वायर को अगर स्ट्रेस किया जाता है, लंबा किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। अगर किसी भी वायर को छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है तो उसका भी जो रेजिस्टेंस होता है कम हो जाता है, स्क्वायर टाइम्स कम हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और इससे न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छे अच्छे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। थैंक्स, लाइक और सब्सक्राइब करें।